हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। और हाँ, जिन बच्चों ने आरडी शर्मा की लेटेस्ट एडिशन की बुक अब तक नहीं खरीदी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। एक्सरसाइज 18.1 को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने 19 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें सो दैट कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मिले मेरे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थ्री मेटल क्यूब्स विद एजेस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो तीन क्यूब आपके गिवन है और यहाँ पर तीनों की साइड भी आपको गिवन है। पहले की है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है आर मेल्टेड टुगेदर एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब। इसका सिंपल सा मतलब है कि इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। इनको पिघलाकर तीनों को एक साथ एक सिंगल क्यूब यहाँ पर आपके सामने है ना, इसमें कन्वर्ट कर दिया है हमने सिंगल क्यूब में। लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब, यानी कि जो नया क्यूब आया है उसका वॉल्यूम आपसे पूछा है, सरफेस एरिया और इसकी डायगोनल आपसे पूछी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसको कहाँ से शुरू करना है ना। जब तक आपको यही बात ना पता हो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, तो आप इसको एंड कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, बहुत आसान है, आपसे पूछा गया है वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है आपको मालूम होना चाहिए, एक क्यूब होता है, सरफेस एरिया होता है 6 into a square, डायगोनल होता है √3 into a। तो यहाँ पर जो मैंने a लिखा है, a क्या है, क्यूब की साइड, और आपको मालूम है क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, बराबर होती है। तो बच्चों देखो, बहुत सिंपल है, ये जो मेटल के क्यूब्स हैं इनको आपने मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया है ना। ये जो मेटल के क्यूब्स हैं तीन, इनकी साइड्स आपको मालूम है, लेकिन जो मेल्ट करके नया क्यूब निकल के आया है उसकी साइड आपको नहीं पता है ना। इसलिए हमने क्या किया, उसको लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू ए, उसको ए मान लिया। तो वॉल्यूम में भी हम ए लिखेंगे, सरफेस एरिया में भी ए लिखेंगे और डायगोनल में भी ए लिखेंगे, ओके। तो जैसे ही आप नए क्यूब की साइड फाइंड कर लेते हो तो उसके बाद आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो और डायगोनल भी निकाल सकते हो। इस ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो थ्री मेटल क्यूब्स हैं इन सभी का जो वॉल्यूम होगा तीनों का मिला के वो सिंगल क्यूब के बराबर होगा, है ना। इन तीनों का वॉल्यूम इस सिंगल क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो इसका वॉल्यूम होगा 6 cube और इसका होगा 8 cube और इसका होगा 10 cube और इसका क्यूब होगा, जो नया वाला क्यूब है इसका होगा a into a into a, इसका मतलब है a cube, है ना। तो मैंने इसी बात को यहां पर लिख दिया है, इन तीनों के वॉल्यूम को आप ऐड कर लेंगे जैसा कि मैंने यहां पर किया है, ओके, और इसके बराबर होगा आपका a cube जैसा मैंने यहां पर लिखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 1728, आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा, ओके। इसके बाद ये आपका क्यूब रूट होता है 12 का, ओके, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 12, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 12। तो अब आपके पास नए क्यूब की साइड निकल के आ चुकी है 12 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद सिंपली क्या करना है, a क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए, यहां पर a क्यूब आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो आप यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम a क्यूब, दैट मींस 1728 cm³, ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। इसके बाद सरफेस एरिया भी आप फाइंड कर लेंगे, सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 into a square, ओके,
दैट मीन्स 6 इंटू 12 इंटू 12, तो आपका ये आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज द सरफेस एरिया फॉर न्यू क्यूब. और लास्ट में आप फाइंड कर लेंगे डायगोनल. ओके, डायगोनल के लिए आप सिंपली, आपको मालूम है फॉर्मूला, अंडर रूट 3 इंटू ए, दैट मीन्स 12 अंडर रूट 3. आप इस तरीके से इसको लिख के छोड़ सकते हैं, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर. सो दीज आर द आंसर्स फॉर द न्यू क्यूब. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड. इसका सिंपल सा मतलब है, आपके पास दो क्यूब थे, आपने उनको आपस में मिला दिया, है ना, आप देख सकते हैं. तो ये बेसिकली क्या बन गया आपका, दो क्यूब को मिला के एक सिंगल क्यूबॉइड बन गया. इसके बाद बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. इसका सिंपल सा मतलब है कि दो क्यूब को मिला के जो आपका सिंगल क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है. यानी कि ये जो आपका कंप्लीट क्यूबॉइड है इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. आपको मालूम होना चाहिए कि आपको शुरू कहां से करना है, आपको निकालना है सरफेस एरिया. तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. अब आप यहां पर देखें जो सरफेस एरिया है, यहां पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. तो इसका सिंपल सा मतलब है, ये जो आपका एक क्यूबॉइड बन के आया है इसका लेंथ आपको मालूम होना चाहिए, ब्रेथ आपको मालूम होना चाहिए और हाइट भी आपको मालूम होना चाहिए. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करने के लिए आपको शुरुआत करनी है, जो भी यहां पर गिवन है वहीं से आप शुरू कर सकते हैं. जैसा कि यहां पर वॉल्यूम गिवन है, ओके, ये जो आपका फर्स्ट वाला क्यूब है इसका वॉल्यूम है 512 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे का भी सेम है आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब. तो देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों क्यूब में से कोई भी एक क्यूब आप पिक कर लें. ओके, लेट से मैंने ये वाला क्यूब पिक कर लिया है, तो इसकी साइड आप निकाल सकते हैं. ओके, आपको वॉल्यूम मालूम है, लेट से इसकी जो साइड है वो ए है. जैसे मैंने यहां पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. जैसा कि आप जानते हैं क्यूब के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां पर हमने जो क्यूब की साइड है वो ए मान ली है, लेट कर ली है. तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब. ओके, तो ये आपको गिवन है 512 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वैल्यू आप लिख लेंगे 512. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर. ओके, आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो जैसे ही ए का वैल्यू फाइंड होता है इसका मतलब है ये जो डायमेंशन है ये भी ए है, ये भी आपकी 8 होगी, ये वाली डायमेंशन भी आपकी ए है क्योंकि ये क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, और ये भी आपका ए होगा और जो ब्रेथ है वो भी ए होगी. लेकिन आपसे तो पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो यहां पर देखो जो लेंथ होगी ना टोटल, लेट से दिस इज योर टोटल लेंथ, तो इसका मतलब है ए प्लस ए, दैट मीन्स 8 प्लस 8. ओके, ये हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर. और आपकी ब्रेथ और हाइट वो आपकी 8 ही रहेगी, ठीक है, ये आपकी चेंज नहीं होंगी. सिर्फ चेंज किस में आया है, लेंथ में, क्योंकि आपने इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया है. तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ओके, 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. तो चलिए अब फाइंड कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. फॉर्मूला आपको मालूम है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको मालूम चल चुकी है. तो चलिए यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ओके, सिंपली आपको वैल्यूज को यहां पर पुट करना है. ओके, तो जो चेंज है वो सिर्फ लेंथ में है. ओके, दैट मीन्स 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 देन 8 इंटू 16. ओके, सो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. अ मेटल क्यूब ऑफ एच 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब्स. इसका सिंपल सा मतलब है, आपके पास एक मेटल का क्यूब है, उसको पिघला के उसको मेल्ट करके आपने छोटे छोटे 3 क्यूब्स में कन्वर्ट कर लिया है. इसके बाद बोला गया है इफ द एजेस ऑफ द टू स्मॉलर क्यूब्स आर
6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एच ऑफ द थर्ड स्मॉलर क्यूब। जो यहाँ पर तीन क्यूब है उनमें से दो की साइड आपको गिवन है। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट क्यूब, तो यहाँ पर साइड है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की आपको फाइंड करनी है। ओके, लेट्स से इसकी जो साइड होगी वो होगी एक्स। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपसे बोला जाए कि एक सिंगल क्यूब है उसको मेल्ट करके उसको पिघला के तीन छोटे छोटे अलग क्यूब्स में कन्वर्ट किया गया है, या फिर तीन छोटे छोटे क्यूब्स को एक सिंगल क्यूब में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम होगा, ये जो आपका क्यूब है इसका जो वॉल्यूम होगा इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। लेट से कि ये जो आपका क्यूब है इसका वॉल्यूम होगा V1, इसका होगा V2 और इसका होगा V3, ओके, और इसका है V। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V=V1+V2+V3, है ना, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर आपको साइड गिवन है तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्यूब करेंगे, ओके, और इसका क्या होगा, यहाँ पर साइड गिवन है तो आप क्या करेंगे, 6 क्यूब करेंगे, देन V2 यानी इसका भी आपको साइड गिवन है तो आप 8 क्यूब करेंगे प्लस, और यहाँ पर आपको ये फाइंड करनी है तो आप यहाँ पर x क्यूब कर देंगे, है ना। देखिए कितना आसान था, तो यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका निकल के आ जाएगा 1728, ओके, 6 का हो जाता है 216, देन 8 का हो जाएगा आपका 512 प्लस एक्स क्यूब, ओके, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000, ओके, तो सिंपली आप यहां से इसको फाइंड कर सकते हैं और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स की 10 सेंटीमीटर, है ना, यही तो होगा। तो ये आपकी निकल के आ चुकी है एच ऑफ द थर्ड स्मॉलर क्यूब, यानी कि ये जो आपका तीसरा छोटा वाला क्यूब है इसकी साइड हमने फाइंड कर ली है, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द डायमेंशंस ऑफ ए सिनेमा हॉल आर 100 मीटर, 50 मीटर एंड 18 मीटर। हाउ मेनी पर्संस कैन सिट इन द हॉल इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। एक सिनेमा हॉल है, ओके, उसकी डायमेंशन हमको गिवन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ओके, इसके बाद पूछा है हाउ मेनी पर्संस कैन सिट इन द हॉल, कितने पर्सन उस हॉल में बैठ सकते हैं अगर इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि हर इंसान को 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सिनेमा हॉल की डायमेंशन गिवन है तो आप टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे सिनेमा हॉल का, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है सिनेमा हॉल का वो हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ईच पर्सन का जो रिक्वायरमेंट है जितना वो वॉल्यूम कवर कर रहा है वो कितना है, 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ओके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल को आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, है ना, ये तो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, है ना, और ये है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ योर सिनेमा हॉल। तो सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 600। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन हु सिट इन द हॉल कितने होंगे, 600 पर्सन, ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मार्बल वेज 0.25 किलोग्राम, द वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 5 सेंटीमीटर थिक इज 112 किलोग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो जो यहां पर गिवन है उसको आप यहां पर लिख लेंगे, ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, इसका वेट है 0.25 किलोग्राम, यही तो बोला गया है, ओके, इसके बाद द वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर इन विड्थ, तो यहां पर जो मार्बल ब्लॉक है उसकी विड्थ आपको गिवन है, ओके, ब्रेथ गिवन है एंड 5 सेंटीमीटर थिक, ओके, इसका मतलब है हाइट आपको गिवन है ना, थिक का क्या मतलब है हाइट, इज 112 किलोग्राम, तो जो वेट है वेट कितना है 112 किलोग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ पर लेंथ आपको फाइंड करनी है ब्लॉक की। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी और हाइट भी, है ना, तो वहां से हम लेंथ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, वॉल्यूम, ओके,
वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आप कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो जो आपको गिवन है आप यहां पर लिख लेंगे, लेंथ आपको फाइंड करना है, ब्रेथ आपको गिवन है ओके 28 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर ओके, तो ये आपका आ जाएगा 140 L, है ना, यही तो होगा। वॉल्यूम निकालने के बाद आप वेट निकाल लेंगे ओके। आप कहेंगे कि सर वेट तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जब आप यहां पर वेट निकालेंगे तो आप लिखेंगे 140 L इंटू 0.25 ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू यहां पर आपको गिवन है, ये सेंटीमीटर क्यूब है आपका ओके, तो आपने यहां पर वैल्यू रख दिया है ना, तो ये आपका वेट निकल के आ जाएगा यहां से, लेकिन L का वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, तो ये टोटल वेट नहीं हुआ ओके। टोटल वेट कितना है आपका 112 किलोग्राम, तो ये जो आपका वैल्यू है वेट का ठीक है, एग्जैक्टली जो वेट है वो कितना है 112 किलोग्राम, तो इसका वैल्यू आप यहां पर रखेंगे 112 यहां पर ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 140 L इंटू 0.25 ओके, तो आपका किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप L का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, L का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 0.25 ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर ओके। सो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।